हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बाल विकास की अवस्थाएं और उसकी विशेषताएं लेकर आई हूं। ये प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इसलिए आज मैं थ्योरी लेके आई हूं। तो बालक के विकास की अनेक अवस्थाएं होती हैं और हर अवस्था का अपना अपना महत्व होता है और उसकी अपनी विशेषताएँ होती है। हर अवस्था में जो बच्चे को शिक्षा दी जाती है उसका स्वरूप भी अलग अलग होता है। तो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार बताई गई, उनको आज हम डिस्कस करते हैं। पहली अवस्था है शैशवा अवस्था, जिसका कि समय है जन्म से 5 साल। दूसरी है बाल्या अवस्था, जो 6 से 12 साल के आयु तक होता है। और तीसरा है किशोरा अवस्था, जिसे हम 12 से 19 साल तक मानते हैं। 19 साल, इसको टीन एज भी कहते हैं। तो जितने भी 13 से शुरू होता है 19 तक, तो सब में हम देखते हैं टीन, टी डबल ई एन होता है, इसलिए इसे टीन एज भी कहा जाता है। ठीक है, और फिर आता है प्रौढ़ावस्था, उसके बारे में हम बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे, बस उसको जान लेंगे कि किशोरावस्था के बाद उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, फिर अगला है पहली अवस्था है बाल्यावस्था में शैशवा अवस्था। बाल विकास की पहली अवस्था है शैशवा अवस्था। शैशव अवस्था जो है बालक के जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशव अवस्था कहा जाता है। इस यह बालक का निर्माण काल होता है। ठीक है, ये निर्माण कांड होता है, इसमें बालक का निर्माण होता है। वह भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। जितना अधिक बच्चे को इस समय देखा जाता है, निरीक्षण किया जाता है और निर्देशन दिया जाता है, बालक का विकास उतना ही अच्छा और उत्तम होता है। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। जन्म के बाद क्या होता है, बच्चों का 5 वर्ष की आयु तक उनका भार, हम देखते बच्चा जब जन्म लेता है तो वो 3 या 4 किलो का होता है। तो ऐसा माना जाता है कि पहले साल तक बच्चे के का वजन 10 किलो होना चाहिए और उसके बाद हर साल 2-2 किलो के हिसाब से बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बच्चे का विकास सही माना जाता है। ठीक है, तो यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। और जन्म के बाद बच्चों के भार, अंग और गतिविधियों में 5 वर्ष तक की आयु तक परिवर्तन जल्दी जल्दी होता है, उनका विकास जल्दी जल्दी होता है। हम देखते हैं कि 6 महीना में बैठना शुरू कर दिया, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है, फिर चलना शुरू, फिर क्रॉल करता है, फिर दौड़ना शुरू कर चलना शुरू करता है, फिर दौड़ने लगता है, बोलने लगता है, उसके दांत निकलने लगते हैं। तो ये सारा विकास जो होता है शारीरिक, वो 5 वर्ष की आयु तक जल्दी जल्दी होता है। और उसके बाद जैसे जैसे 3 साल के बाद फिर वो क्या होता है कि उसमें स्थायित्व होने आने लगता है। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित हो जाता है, ये एडलर का कहना है। एडलर का मैंने बहुत सारे कोटेशंस डाल रखे हैं, कभी कभी कोटेशंस भी डाल देते हैं क्वेश्चन में और पूछते हैं ये किसका कहा हुआ है। तो एडलर का कहना है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित हो जाता है। ठीक है, शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो विशेषता है कि पहले तो शारीरिक विकास में तीव्रता आती है, जल्दी जल्दी बच्चा बड़ा होता है, उसके फिर एक्टिविटीज शुरू होते हैं, वो जल्दी जल्दी क्रियाएं भी करने लगता है। तो शारीरिक विकास 3 वर्ष तक तीव्र गति से होता है, फिर उसके बाद ये गति धीमी पड़ जाती है और उसके बाद धीरे धीरे उसके शरीर के अंगों का विकास होता है। उंगलियां बड़ी होती हैं, हाथ बड़े होते हैं, मांसपेशियों में वजन आता है, मांसपेशियां बढ़ती हैं, तो ये क्रमिक विकास हो जाता है। और फिर मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है। तो जितना मानसिक क्रिया, कहते हैं ना कि इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट जो शुरू के 5 वर्ष में होता है वो सबसे ज्यादा होता है, तो ये मानसिक विकास जो है वो 3 वर्षों तक, जितना भी व्यक्ति का मानसिक विकास होता है पूरी उम्र में, उसका आधा वो 3 वर्ष के उम्र तक उसका विकास हो जाता है। फिर सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है, बच्चे जल्दी जल्दी सीखते हैं। आप देखते होंगे छोटे बच्चे अभी कितना जल्दी मोबाइल चलाना या ये सब, मोबाइल खास करके बहुत तेजी से सीख जाते हैं, तो उनमें सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, वो किसी चीज को बहुत जल्दी कैच करते हैं। फिर दोहराने की प्रवृत्ति होती है, वो देखकर भी बहुत चीज सीखते हैं, उसको दोहरा कर नकल कर कर बच्चे बहुत चीज वॉच करते हैं। जब वो एक्टिविटी में दिखाते हैं तो आपको हंसी भी आती है, लेकिन वो सोचिए कि वो कितना चीज को ध्यान से देखते हैं। उसकी मम्मी के साथ अगर कोई ब्यूटिशियन आकर कुछ काम कर रही है तो वो सीख जाता है, फिर बाद में उसकी नकल उतारता है। उसकी दादी का ऑपरेशन होता है तो वो फिर
ऑपरेशन करने लगता है, कॉटन लग के आंख में पट्टी लगाने लगता है, तो ये सब चीजें वो देखता है, सीखता है और दोहराता है। पर निर्भरता, इस उम्र में बच्चे जो हैं वो दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक है, अपना काम खुद से नहीं कर पाते, इसलिए उनको दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। फिर है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हर चीज को पूछते, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हर चीज उन्हें जानना होता है, तो उनमें जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है। फिर अगला है स्व प्रेम की भावना। इस समय बच्चे दूसरे की भावना या दूसरे के प्रेम को नहीं समझते, बस उनको स्व प्रेम की भावना। आप देखो छोटे बच्चे को, अगर उनके पसंद का चॉकलेट बिस्किट उनके पास आप मांग के देखो, आपको वो नहीं देंगे, एकदम ब्लैंकली मना कर देंगे कि नहीं देना है, या फिर अगर आप जबरदस्ती लोगे तो रोने चिल्लाने मारपीट करने लगेंगे, तो ये स्वप्रेम की भावना है। शैशवावस्था में बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के आधार पर ही उसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जैसा शारीरिक और मानसिक विकास है उसी हिसाब से बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है, इसलिए बच्चे को अच्छा भोजन और संतुलित पौष्टिक भोजन देना चाहिए, और अच्छी आदतों के निर्माण के लिए उस समय बच्चे को अच्छे वातावरण में रखना चाहिए। अच्छा वातावरण में जब बच्चा रहेगा तो उसकी बोली चाली, उसका रहने का तरीका सब कुछ सुसंस्कृत और अच्छा होगा, इसलिए बच्चे को उस समय, क्योंकि वो सीखता है उस समय, तो वहाँ पर उसे अच्छे वातावरण में रखने से उसकी जिंदगी भर की जो नींव पड़ती है ना, वो अच्छी पड़ती है और वो बच्चे अच्छी आदतों को सीखता है। बालक को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। हम जानते हैं कि जब जो काम हम खुद से करके सीखते हैं उसको हम ज्यादा दिन तक याद रखते हैं और उस हमारा ज्ञान ज्यादा बढ़ता है, इसलिए स्वयं करके सीखने का अवसर बच्चों को प्रदान करना चाहिए ताकि उसका ज्ञान स्थायी रह सके। उसकी जिज्ञासा को सही उत्तर देकर संतुष्ट करना चाहिए, उल्टे सीधे बात बनाकर या उसको चुप नहीं करा देना चाहिए, बल्कि उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने से उसको क्या होगा, वो और क्यूरियस होगा और नई नई चीजों को जानना चाहेगा। आजकल बच्चे तो यूट्यूब देखकर और मोबाइल से इतनी चीजें जान जाते हैं जो बड़े बड़े चकित हो जाते हैं सुनकर, तो उनसे बात करनी चाहिए, वार्तालाप करने का अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वो कुंठित ना हो सके, अंतर्मुखी ना हो सके। जो बच्चा ज्यादा बात करता है वो दिल से भी साफ होता, ओपन हार्टेड होता, उसके मन में किसी तरह की कोई बात नहीं रहती। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील रहती है, इसलिए बच्चे को सब चीज अच्छा मिले, माहौल अच्छा मिले, इसका ध्यान रखना चाहिए। घर का माहौल अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े और बच्चा एक सकारात्मक व्यक्ति के रूप में तैयार हो। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ठीक है। अगला है बाल्यावस्था। बस समझने के लिए मैं आपके लिए ले आई हूँ, ये पर डिटेल में जाने से तो एक एक अवस्था को हम लंबा करके सीख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे आर्टिकल्स बना के लाई हूँ। बाल्यावस्था, इसे अनोखा काल भी कहा जाता है, यूनिक पीरियड कहा जाता है। यह बाल विकास की दूसरी अवस्था है जो 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने इसे बहुत सारा नाम दिया है। प्राथमिक विद्यालय की आयु कहा गया क्योंकि इसमें ये प्राइमरी स्कूल में जाते हैं। स्फूर्ति आयु, इसमें बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कुछ कुछ बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, तो इस समय उनको खाना पीना से जो एनर्जी मिलती है ना, तो उससे वो बहुत स्फूर्ति में रहते हैं। गंदी आयु, गंदी आयु का यहाँ गलत सेंस नहीं है, गंदी आयु का मतलब है कि खेलकूद में बच्चे ज्यादा रहते हैं तो इससे वो गंदे और लापरवाह रहते हैं, तो वो टाइडी नहीं, अनटाइडी भी हो जाते हैं खेलने के चक्कर में। तो आजकल बच्चे कहाँ खेलने जाते हैं, आजकल बच्चे घर में मोबाइल लेके खेलते रहते हैं, तो इसलिए गंदी आयु आज के बच्चों को नहीं कहा जाता, लेकिन उनका ग्रोथ पर असर पड़ता है क्योंकि वो बाहर स्पोर्ट्स नहीं करने से या खेल कूद नहीं करने से, ग्रुप में नहीं रहने से वो अकेले होते जा रहे हैं। आजकल के बच्चों में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो ये गंदी आयु का मतलब है कि खेलने कूदने से जो बच्चे गंदे होते हैं और लापरवाह रहते हैं खेल के धुन में, तो इसलिए उसे एक डर्टी एज कहा गया। समूह आयु का मतलब है कि बच्चे इस समय ग्रुप में रहना चाहते हैं, मतलब समूह खेलने जाएंगे तो दोस्त ज्यादा बना लिए और उससे सामाजिक संबंध होंगे, ज्यादा बन जाते हैं वो। शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक महत्वपूर्ण कोई अवस्था नहीं है। शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण है। किसका कहना है? ब्लेयर जोन्स का।
जो अध्यापक इस अवस्था में शिक्षा देता है बच्चों को, उन्हें क्या करना चाहिए कि बच्चों की आधारभूत आवश्यकता बेसिक नीड्स क्या है, उनकी समस्याओं को और उनकी परिस्थितियों की पूर्व जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर शिक्षक को बच्चों के बेसिक नीड्स या उनकी समस्या या उनकी परिस्थिति को जानकारी होगी तो उसे रूपांतरित और परिवर्तित करके शिक्षक उनको सही शिक्षा दे सकता है। इसलिए इसके इसमें क्या है, निदानात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। अगर बच्चों को कोई समस्या है तो शिक्षक उनका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करके उनकी समस्याओं को दूर करके उन्हें शिक्षा की सही दिशा में चैनलाइज कर सकता है। बाल्यावस्था में बच्चे की विकासात्मक विशेषताएं क्या क्या है, तो बच्चे का विकास दो काल में बांटा गया, संचय काल और परिपाक काल। संचय काल में क्या होता है कि बच्चे का सारा एनर्जी सब चीज संचय होता है, और परिपाक काल में उसमें परिपक्वता आती है। दूसरा है आत्मनिर्भरता की भावना। बच्चे इस उम्र में अपना काम स्वयं करने लगते हैं, जैसे नहाना धोना, कपड़े पहनना, स्कूल का बैग रखना, ये सारा कुछ खुद से करने लगते हैं। प्रतिस्पर्धा की भावना, यहाँ पर अब बच्चों में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन आ जाता है, भाई बहन में झगड़ा होने लगता है, कोई चीज का पोजेसिवनेस, ये मेरा है ये तुम्हारा है, इस तरह का। दूसरे बालकों के साथ जब वो बाहर जाते हैं और दूसरे बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो उनमें फिर ग्रुप में रहने के लिए सहनशीलता, टीम की भावना, नैतिकता, ये सारी चीजें भी विकसित होने लगती हैं। तो इसमें घर में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, बाहर दोस्तों के साथ मिलजुल के रहने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, इस समय बच्चे जो कहें कल्पना जगत से वास्तविक जगत में प्रवेश करते थे। पहले बच्चे की छोटे बच्चे क्या होते हैं, कल्पना जगत में रहते हैं, मैं जाऊंगा हवाई जहाज चलाऊंगा और बम गिरा दूंगा, इस तरह की बातें करने वाले बच्चे वास्तविक जगत में प्रवेश करने लगते हैं। अब उन्हें समझ में आता है कि वो ऐसे ही हवाई जहाज चला के बम नहीं गिरा सकते हैं, तो ये सारी चीजें उन्हें समझ में आने लगती है। अनुकरण करने की प्रवृत्ति का विकास, वो बच्चे क्या करते हैं, चोरी करना, झूठ बोलना भी सीख जाते हैं। देखा देखी या कभी कोई गलती की तो उसको छिपाने के लिए झूठ बोलना सीख जाते हैं। संवेगों पर दमन, अब बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, या फिर जिद करना चाहिए या नहीं करना। छोटे बच्चे तो पैर पटक पटक कर रो लेते हैं और खूब जीत करते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं, लेकिन इस उम्र के बच्चे जो होते हैं, शैशवावस्था में बच्चे वैसे करते हैं, इस उम्र के बच्चे जो हैं वो उन्हें समझ में आने लगता है और वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हैं। बाल्यावस्था जीवन की आधारशिला होती है, शिक्षा और विकास में घनिष्ठ संबंध है। इसलिए इस समय बालक की शिक्षा निर्धारित करते समय क्या क्या चीज पर ध्यान देना चाहिए, तो बालक का शारीरिक विकास सही होना चाहिए ताकि जीवन पर्यंत वह स्वस्थ रह सके, और भाषा विकास पर बल देना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस ही समय जो इस उम्र में जो बालक भाषा सीखता है और भाषा का विकास होता है वो जीवन पर्यंत उसके काम आता है। इसलिए हम लोग पहले जब होते थे, पहले के पेरेंट्स, वो बच्चों को इस अवस्था में, बाल्यावस्था में ट्रांसलेशन, मैथ्स, इस पर बहुत जोर देते थे ताकि उस पर कमांड होने से बच्चा आगे चलकर उसको इंग्लिश में, मैथ्स में, हिंदी के स्पेलिंग में कभी भी दिक्कत नहीं होती थी। पहले के स्कूल्स क्या करते थे, आप स्पेलिंग मिस्टेक करो आपको 50 टाइम्स लिखवाते थे। क्यों लिखवाते थे, ताकि आपका भाषा का विकास सही हो, आप लिखने में आपकी वर्तनी शुद्ध हो, आप गलतियां ना करें, और आपको जब भी आप लिखें तो आपके लिखने में अशुद्धि कम से कम हो, ठीक है। अगला है किशोरावस्था, यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है और कठिन भी काल है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। ये 12 से 19 साल तक होता है, ठीक है। इसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, और किशोरावस्था हमारे देश में चूंकि गर्म देश है हमारा भारत, इसलिए लड़कियां पहले मैच्योर हो जाती हैं लड़कों की अपेक्षा, इसलिए किशोरावस्था का आरंभ लड़कियों में 2 वर्ष पूर्व हो जाता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध का की अवस्था। इस आयु में विकासशील बालक अपने अंदर हो रहे परिवर्तन से परेशान रहता है। इस किशोरावस्था को लेकर बहुतों ने बहुत बात कही है, तो स्टैनली हॉल ने कहा है, ये हमेशा आता है कि डिस्कस, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये क्वेश्चन ही बन जाता है। फिर किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, मतलब उसी तरह का केयर चाहिए, उसी तरह का कंसर्न चाहिए उसी बच्चे को,
इस अवस्था में, ये रॉस का मानना है। किशोरावस्था ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, क्रो एंड क्रो का कहना है। बिल्कुल सही है कि किशोरावस्था वर्तमान की शक्ति हो, क्योंकि यही किशोर हमारे देश की भावी आशा बनते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को दो भागों में बांटा है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। अब इन दोनों के बीच का जो विभाजन बिंदु है उसको 17 ईयर्स को माना गया है, ठीक है। तो 17 वर्ष की आयु दोनों का विभाजन बिंदु है, 12 से 16 और 17 से 19। पूर्व किशोरावस्था में क्या होता है, 12 से 16 साल तक देश शरीर का बहुत तेज विकास होता है, शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो इसे द्रुत विकास का और तीव्र विकास का काल भी कहा गया है। किशोरावस्था को एक बड़ी उलझन की अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि वो जो बच्चे बड़े होते हैं तो ना वो बड़ों के ग्रुप में जा सकते हैं ना छोटे बच्चों के ग्रुप में, तो वो हमेशा उलझन में रहते हैं कि वो कहाँ जाएं। अगर बड़ों के बीच बैठने जाते हैं तो बड़े भगा देते हैं कि जाओ तुम अभी बच्चे हो, और बच्चों के पास जाते हैं तो बच्चे बोलते जाओ तुम बड़े हो गए, अब जाओ तुम हम लोगों के साथ मत बैठो। तो इसमें बच्चा हमेशा उलझन में रहता है कि वो कहाँ जाए, किस ग्रुप में जाए। तो किशोरावस्था में विकास के दो सिद्धांत हैं, एक है त्वरित विकास, इसमें क्या होता है कि त्वरित और क्रांतिकारी परिवर्तन होता है शारीरिक, जिससे बाल्यावस्था और शैशवावस्था से कोई संबंध नहीं। इस अवस्था में जो परिवर्तन होता है ना वो बाल्यावस्था और शैशवावस्था से बिल्कुल अलग है। इसमें शरीर में जो बदलाव आते हैं वो उलझन और परेशानी भी लाते हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। क्रमित विकास का सिद्धांत, इसमें क्या है कि किशोरावस्था में मानसिक शारीरिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप जो बच्चों के मतलब नवीनताएं आती हैं भावनाओं में या विचारों में, वो धीरे धीरे आती हैं। पहले शारीरिक परिवर्तन होता है और उसके बाद फिर उनके मन में तरह तरह के संवेग आते हैं, जो कि क्रमशः आते हैं, शरीर के परिवर्तन के बाद होते हैं, शारीरिक परिवर्तन के बाद। तो किशोरावस्था की विशेषताएं हम थोड़ा डिस्कस कर लें। किशोरावस्था की विशेषता में पहला है शारीरिक विकास। किशोरावस्था जैसे 12-13 साल के बच्चे होते हैं, फिर उनके शरीर में तरह तरह के परिवर्तन आने लगते हैं, शरीर में लड़कियों के शरीर में उभार आने लगते हैं, लड़कों के शरीर में ये मूछें दाढ़ी निकलने लगते, शरीर में रोएं निकलने लगते हैं, अचानक से उनका बॉडी चेंज होने लगता है, उनकी आवाज़ बदलने लगती है। तो ये सारे शारीरिक विकास जो है वो बच्चों को परेशान करते हैं, क्योंकि वो इस एज ग्रुप में होते हैं कि वो किससे शेयर करें, वो ना अपने परिवर्तन शारीरिक परिवर्तन से थोड़े शाई भी रहते हैं, समझ में नहीं आता है ना उन वो किससे बात करें, उनको ये समझ में नहीं आता। तो इस समय पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बच्चों का दोस्त बनने की आवश्यकता है, ताकि वो शारीरिक विकास की उलझनों से किसी मानसिक परेशानी में ना पड़ जाए। दूसरा बौद्धिक विकास, उनके बौद्धिक बुद्धि का विकास होता है, सोचने के तरीके में परिवर्तन होता है, मैच्योरिटी आने लगती है। तो ये हुआ बौद्धिक विकास। उसके बाद है अपराध प्रवृत्ति का विकास। इसी समय बच्चों में अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है, क्योंकि शारीरिक जो चेंजेस आते हैं ना उससे उनके बॉडी में तरह तरह के डिमांड्स उठने लगते हैं, जिसको जानने के लिए वो कभी कभी गलत साहित्यों का सहारा लेते हैं, इंटरनेट के गलत साइट्स पे चले जाते हैं, तो वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए फिर अपराधी प्रवृत्ति भी ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल के ये किशोर लोग जो होते हैं, ये जितनी भी गलत घटनाएं हो रही हैं रेप की और मर्डर की, ये सारी चीज़ें किशोरों में पनप जाती हैं, यही अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। काम भावना का विकास, इस समय शरीर में जो बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से अपोजिट सेक्स विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा होता है और काम भावना का विकास होता है। इस आत्मसम्मान की भावना, इस समय बच्चों में बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान की भावना होती है, उन्हें तुरंत इंसल्ट हो जाता है, इमोशनली वो तुरंत हर्ट हो जाते हैं, तो उस समय उनके आत्मसम्मान की रक्षा करनी होती है, उनके मन के विपरीत नहीं बोलना होता है, उनको डिमोरलाइज नहीं करना होता है। शारीरिक विकास से कोई बच्चा बहुत हैंडसम हो जाता है, कोई कम हो जाता है, तो इस समय उनको इसके लिए डिमोरलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं तो बच्चों में कुंठा आ जाती है। स्थिरता और समायोजन का अभाव, इस समय मन चंचल रहता है, वो परेशान रहते हैं, उनको कोई अपनी बात को शेयर करने के लिए नहीं रहता, उनकी जिज्ञासाओं को दूर करने वाला कोई नहीं होता। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तो बहुत सारी चीज़ें देख के गलत जानकारी ले लेते हैं,
फिर वो क्या करते हैं अपने समूह का महत्व, फिर अपने पीयर ग्रुप में चले जाते हैं, जो कुछ समझ में नहीं आता वो अपने दोस्तों से पूछते हैं, दोस्त भी तो उसी एज के होते हैं और वो उसी परिस्थिति से गुजर रहते हैं। नतीजा क्या होता है कि गलत सलाह मिल जाती है या गलत जानकारी मिल जाती है, तो उससे उन्हें और परेशानी होती है। वीर पूजा, इस समय बच्चों में हीरो वर्शिप की भावना आती है, वो किसी को अपना हीरो मान लेते हैं, फिर उसके जैसे बाल रखते हैं, उसके जैसे कपड़े पहनते हैं, उसके जैसे एक्शंस करते हैं। फिर ईश्वर और धर्म के प्रति उम्र में आस्था बढ़ती है, वो भगवान के प्रति या धर्म के प्रति आस्था दिखाते हैं और किसी भी धार्मिक ग्रुप को पकड़ लेते हैं या किसी जातिगत ग्रुप को, और उसके बाद समाज में हो रही किसी भी बात के लिए वो आवाज़ उठाने लगते हैं। तो उसके बाद है समाज सेवा की भावना, उस समय इनमें समाज सेवा की भी आदर्शवाद बहुत ज़्यादा ऊपर होता है और समाज सेवा की भावना होती है, जिससे वो समाज में कुछ कर गुजरने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ताकि इस समय उनको प्रशंसा प्राप्त करने की बहुत इच्छा होती है। और इसके अलावा उन्हें कैरियर की भी चिंता होती है, ठीक है। तो कैरियर की चिंता होती है कि किस तरह से वो अपना पढ़ाई करें और किस तरह से वो अपना करियर बनाएं, किस लाइन में जाएं, इससे भी वो परेशान होते हैं। तो ये जो किशोरावस्था का समय है वो बहुत परेशानी और बहुत उथल पुथल का होता है, इसमें बच्चों को सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। इसमें पेरेंट्स को क्या चाहिए कि बच्चों के फ्रेंड बने, फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, कि बच्चे सारा कुछ उनसे शेयर कर सकें और बच्चे को वो पेरेंट्स अच्छा गाइड कर सकें, क्योंकि घर से बाहर वो किसी के पास जाएंगे तो कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, गलत सलाह देगा और उससे वो गलत रास्ते पे जा सकते हैं और भटक सकते हैं। तो इसमें शिक्षक और पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर आता है प्रौढ़ावस्था, जो कि 18 वर्ष के उपरांत होता है। इस समय मनुष्य पूर्ण रूप से शारीरिक और बौद्धिक परिपक्वता प्राप्त हो जाती है, वो अपना निर्णय खुद ले सकता है और समाज में भी वो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में काम करता है, अपना परिवार बसाता है और परिवार की जिम्मेदारी लेता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।